एकदम खत्म, सब फसल खत्म हो गया। माने जितना खेती लगा है उसे आधा फसल बर्बाद हो गया, आधा मिल रहा है। धान नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं वैसा कोई सुविधा है ही नहीं है। तो अभी खराबे चल रहा है, जो तब पानी उनी बरसात में कैसा चलेगा, सब्जी उब्जी में ज़्यादा जरक जा रहा है। नहीं है, नदी है तो उससे चढ़ाते हैं तो होता है, या सुविधा नहीं है तो नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं, सरकार से कोई मदद मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, बारिश में जो आता है उसी से, अगर बारिश नहीं होता है तो फिर बारिश नहीं आने से तो फिर कोई उपाय नहीं, नहीं और कुछ फिक्स नहीं है। और जैसा वो आया, कहीं ऊंचा रेट गया, कहीं नीचे रेट हो जाता है, कभी 18 हो जाता है, कभी 12 में ले जाता है। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष में आप सभी का स्वागत है। वादे हैं वादों का क्या, इस कार्यक्रम में अब तक हम 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं और युवाओं से किए गए वादों का विश्लेषण कर चुके हैं। आज इस कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में हम राज्य के किसानों से किए गए वादों की फिर से लेकर आए हैं। जी हाँ, 2019 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने राज्य के अन्नदाता यानी किसानों से भी कई बड़े वादे किए थे। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मौजूदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन ने 2019 के चुनाव के दौरान किसानों से क्या वादे किए थे और उन वादों को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, कौन से वादे पूरे हुए और कौन से वादे सिर्फ वादे ही रह गए। 3.5 करोड़ से अधिक की आबादी वाला झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड कृषि के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। मॉनसून के अलावा सिंचाई का कोई स्थायी साधन न होने के कारण झारखंड के अधिकांश किसान केवल धान की ही खेती कर पाते हैं, यानी राज्य की 70% आबादी भगवान भरोसे है। अगर मॉनसून मेहरबान रहा तो फसल काफी अच्छी होगी, लेकिन अगर बारिश ने साथ नहीं दिया तो किसान अपनी लागत तक निकाल पाने में असमर्थ हो जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। राज्य के अधिकांश जिले सूखे की चपेट में हैं और किसान गहरे संकट में। 2019 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने किसानों के लिए कई लुभावने वादे किए थे। JMM ने वादा किया था कि अगर वे सरकार में आए तो किसान बैंक की स्थापना करेंगे, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे, किसानों को उनके उत्पादन लागत का 150% मूल्य देंगे और हर प्रखंड में एक मॉडल किसान विद्यालय स्थापित करेंगे। कांग्रेस ने भी 2019 के चुनाव के दौरान किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर किसानों के 2 लाख तक के सभी कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद तत्काल शब्द का अर्थ शायद बदल गया। सरकार बनने के 4.5 साल तक इस विषय की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अब चुनाव के समय कुछ माह पहले कृषि ऋण माफी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने धान के लिए 2,500 के MSP तय करने, सब्जियों को भी MSP के दायरे में लाने और 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए विशेष पेंशन योजना का वादा किया था, जो अब तक सिर्फ कांग्रेस के घोषणा पत्र में ही दिखाई पड़ता है। RJD भी गठबंधन सरकार का हिस्सा है और 2019 के चुनाव में इसने किसानों से जुड़े कई वादे किए थे, जैसे बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर भूमिहीन किसानों को देने की बात। लेकिन अब तक इस दिशा में भी कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। अभी किसान लोग का पानी से एकदम खत्म, सब फसल खत्म हो गया। सब्जी वाला, गोभी वाला, धान वाला तो अच्छा है। धान भी अच्छा है। हाँ, तो सरकार से कुछ मुआवजा वगैरह मिलता है आप लोग को? कहाँ मिलता है। अच्छा, नहीं मिलता। अच्छा, सब्जी का दाम हम तय हुआ है सरकारी रेट? नहीं तय। सरकारी रेट नहीं मिलता सर? नहीं मिलता। आसपास गांव में कृषि स्कूल है? कृषि स्कूल कहीं कहीं है, हर गांव में नहीं है। नहीं, हालत बहुत गंभीर है। माने जितना खेती लगा है उसे आधा फसल बर्बाद हो गया, आधा मिल रहा है। तो मुआवजा नहीं मिलता सरकार? नहीं, कुछ होने मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा, सरकार बोला था JMM जब चुनाव लड़ने गया था 2019 में कि सब्जी का भी MSP तय कर देंगे। हाँ, मिनिमम सेलिंग पर? नहीं, वैसा कोई चीज नहीं मिला है अभी तक। सब्जी का रेट फिक्स नहीं हुआ सरकार? नहीं, कुछ नहीं सर। धान उनका होता है सरकार? हाँ, सब्जी का नहीं है? नहीं, कुछ नहीं सब्सिडी, कुछ नहीं सब्जी में। खेती ने मतलब सब्जी ने ज्यादा पैसा होता है, इसलिए धान का बहुत पैदावार कम हो गया है। पैदावार कम हुआ? हाँ। कारण क्या है? कारण क्या है, बात है कि जब जहाँ सिंचाई में फायदा है उसी को सब चाहता है। सिंचाई के लिए क्या करती हैं आप लोग? सिंचाई के लिए बस बारिश के पानी आता है तो सिंचाई करते हैं। बारिश नहीं हुआ तो नहीं करते हैं। वो धान नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं, वैसा कोई सुविधा है ही नहीं है। तो नहीं है? नहीं।
अच्छा, किसान लोग का आमदनी कैसा है? अभी भी परेशानी में किसान लोग है, गरीबी में रहा कि ठीक हुआ है? गरीबी में है अभी, कहाँ वैसा कुछ आगे कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है। नहीं। धान वगैरह कहाँ बेचते हैं? धान तो लोकल में बेचते हैं, सरकारी रेट पे नहीं बेचते हैं? नहीं। कैसे बेचते हैं? वो है कभी 18 हो जाता है, कभी 12 में ले जाता है। तो अभी खराबे चल रहा है, जो अब पानी उनी बरसात में कैसा चलेगा? सब्जी उब्जी में ज़्यादा जरक जा रहा है, पानी मार मार के कैसा चलेगा? वही है, अगर बारिश नहीं होता है तो धान का क्या होता है आप लोग? हम लोग का बहुत बर्बाद हो जाता है बारिश के कारण। हाँ, बारिश के कारण। तो बारिश के अलावा सिंचाई का कोई उपाय नहीं है आप लोग के पास? नहीं है, नदी है तो उससे चढ़ाते है तो होता है, असुविधा नहीं है तो नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। आए, कोई नहीं है? कोई नहीं। बोरिंग वगैरह नहीं है हम लोग के पास? बोरिंग नहीं है। सरकार से कोई मदद? नहीं, कोई मदद नहीं। नहीं। खाने में अथी अगले जैसे पिछला साल का धान रहता है तो वो खत्म हो जाता है, फिर बारिश नहीं आता तो फिर अगला साल खाने के लिए दिक्कत होता है। अच्छा, बारिश के अलावा, बारिश का पानी के अलावा कोई और है उपाय सिंचाई के लिए आप लोग के पास धान? नहीं, कुछ नहीं। बोरिंग वगैरह? बोरिंग वगैरह नहीं है। सरकार से कोई मदद मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, बारिश में जो आता है उसी से, अगर बारिश नहीं होता है तो फिर धान बर्बाद हो जाता है। धान बर्बाद होता है। आसपास कोई कृषि विद्यालय है क्या किसान लोग के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, नहीं है। अच्छा, आप लोग अपना धान वगैरह कहाँ सरकार को बेचते हैं कि व्यापारी लोग को? लोकल व्यापारी, घर में भी खाने के लिए जितना होता है। अच्छा, आमदनी वगैरह बढ़ा है कि नहीं किसान लोग का हाल फिलहाल में? नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है, दिक्कत है। बारिश नहीं आने से तो फिर कोई उपाय नहीं। सिंचाई का कोई उपाय नहीं? ना। बोरिंग वगैरह? बोरिंग तो नहीं। नहीं, सरकार कोई मदद करता है? करने का तो सुने हैं कि करेगा, लेकिन अभी तो नहीं किया है। नहीं किया? नहीं किया। वादा पूरा नहीं करता है? ना। अच्छा, पेंशन मिलता है किसान वाला आप लोग को? मिलता है। नहीं तो बूढ़ा वाला मिलता है ना किसान? हाँ, के लिए अलग से मिलता है? किसान वाला नहीं मिलता है, बूढ़ा वाला मिलता है। बूढ़ा वाला मिलता है? कुछ फिक्स नहीं है, और जैसा वो आया कहीं ऊंचा रेट गया, कहीं भी नीचे रेट हो जाता है। स्कूल वगैरह खोलने का बात कहती है सरकार वगैरह, अब तो कोई खुला है आसपास किसान विद्यालय? हाँ। क्या, कहाँ पे खुला हुआ है? यहाँ पर पंचायत में। हाँ, पंचायत में। तो उसमें कौन बैठते हैं, क्या जानकारी दी जाती है आप लोग को? उसको हम नहीं जानते हैं कौन बैठते हैं सर। तो कभी गए हैं आप वहाँ पे? नहीं गए हैं। गए नहीं है, लेकिन खुला हुआ है? हाँ, खुला खुला हुआ, लेकिन किसान लोग जाता नहीं है? हाँ, नहीं जाते हैं। अच्छा, किसान बैंक भी वगैरह कुछ ऐसा है? किसान बैंक आसपास कुछ सुने हैं सबका चीज़? नहीं सुने हैं, इसके बारे में नहीं सुने हैं। नहीं सुने हैं। देश के अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड के किसानों की स्थिति और भी दयनीय है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2020 में झारखंड में 590 किसानों ने आत्महत्या की थी। राज्य की केवल 11% कृषि भूमि सिंचित है, जबकि देश का औसत 48% है। 2019 में किए गए वादों के बावजूद 2023 में राज्य की कृषि विकास दर मात्र 2.8% रही, जो कि राष्ट्रीय औसत 4.0% से काफी कम है। राज्य में औसतन प्रति किसान परिवार की मासिक आय मात्र 4,895 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 10,218 है, यानी दुगने से भी अधिक। 2023 में आई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 24 जिलों में से 22 सूखाग्रस्त रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सिंचाई के साधनों की कमी और मानसून की अनिश्चितता ने किसानों की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। समस्याओं के इस अंधकार में राज्य के किसान अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बार बार किए गए वादे उनके लिए एक छलावा साबित हो रहे हैं। फसल की उचित कीमत ना मिलना, सिंचाई के साधनों का अभाव और प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों को आर्थिक रूप से तोड़ा है। सरकार से उम्मीदें अब निराशा में बदल चुकी हैं। जो किसान अन्नदाता कहलाते हैं, वे अब खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन किसानों के लिए सरकार के वादे कागजों तक ही सीमित रह गए, और जो प्रयास हुए वे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें जरूर बताएं, और देखते रहें IDTV इंद्रधनुष। धन्यवाद।